हनुमान टेकरी काठिया बाबा आश्रम में श्री टेकरी के हनुमान जी भागवत कथा समिति के तत्वाधान में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान गंगा महोत्सव के तीसरे दिन शुक्रवार को व्यासपीठ पर विराजित परम पूज्य शांतिदूत पंडित श्री देवकी नंदन ठाकुर महाराज ने हाल ही रिलीज फिल्म आदि पुरुष के ट्रेलर रिलीज की चर्चा करते हुए बॉलीवुड में आस्था के केंद्र भगवान राम को महामानव कह हमारी सनातन परंपरा को घोर अपमान किया है। फिल्म देखना तो दूर की बात, सनातन धर्म व संस्कृति में विश्वास करने वालों को उसका ट्रेलर भी नहीं देखना चाहिए। हिंदू धर्म का अपमान करने वाली ऐसी विचारधारा को मुंह तोड़ जवाब भी सनातनियों को देना होगा। उन्होंने कहा कि हम बॉलीवुड के खिलाफ नहीं, लेकिन सनातन परंपराओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये फिल्म रामायण के साथ और हमारी सनातन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली है। धर्म को बचाने के लिए आगे आकर इस तरह की फिल्म का विरोध होना चाहिए। किसी भी प्रदेश में इसे चलने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में रामायण के पात्रों का गलत चित्रण करने के साथ आस्थाओं पर आघात पहुँचाई गई है। ठाकुर जी ने कहा कि बॉलीवुड के कुछ कथाकथित लोग हमारी संस्कृति पर आघात करने को उतारू है। ऐसे में आप लोगों को सावधान रहना होगा, अपने धर्म की रक्षा के लिए आवाज उठानी होगी। कब तक भगवान और संत का अपमान सहते रहेंगे? बॉलीवुड हमेशा हिंदू धर्म को ही क्यों निशाना बनाता है? किसी अन्य धर्म के लिए इस तरह की फिल्म क्यों नहीं बनाता? उन्होंने श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान गंगा महोत्सव के तीसरे दिन हजारों श्रद्धालुओं को विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से भागवत श्रवण का महत्व समझाया। मंच पर कथा के प्रेरणा स्रोत हनुमान टेकरी के महंत बनवारी शरण काठिया बाबा का सानिध्य भी रहा। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि संत दर्शन एवं भागवत श्रवण का अवसर दुर्लभ है। हम जीवन में हर चीज के लिए प्लानिंग करते हैं, लेकिन जीवन कैसे जीना चाहिए कभी इसकी प्लानिंग नहीं करते। मानव जीवन अपनोल है, इसे व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। जन्म और मृत्यु के समय होने वाले असहनीय दुख को याद रखें तो व्यक्ति कभी पाप नहीं करेगा और दोबारा जन्म नहीं लेना चाहेगा। हमें ऐसे कर्म व कार्य करने चाहिए कि पृथ्वी पर फिर से जन्म नहीं लेना पड़े। उन्होंने विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से ईश्वर एवं गुरु भक्ति का महत्व भी समझाते हुए कहा कि बिना गुरु गोविंद नहीं मिलते, जीवन में किसी को गुरु तो बनाना ही पड़ेगा। बार बार के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। मंच पर हनुमान टेकरी महंत बनवारी शरण काठिया बाबा, महंत रामदास टिकमगढ़, महंत मोहन चरण निम्बाक आश्रम, महंत संतदास हाथीबाटा आश्रम, संत रामदास समोड़ी, संत परमेश्वर दास पंचमुखी, संत बलराम दास रपट के बालाजी का भी सानिध्य रहा। आयोजन समिति के हेमेंद्र शर्मा एडवोकेट एवं गोपाल शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को व्यासपीठ की आरती करने वाले यजमानों में कैलाश लड्डा, सेशन न्यायाधीश हरिमोहन खन्नी, योगेश लड्डा, अरविंद चेचानी, प्रहलाद नुवाल, अतुल शर्मा, नाहर सिंह, सतीश दादीश, कैलाश नुवाल, प्रहलाद काकानी, सुरेश बिरला, रितेश चेचानी, गोपाल राठी, रमेश खोईवाल, अनिल तोशनीवाल, गोपाल जेजानी, संदीप माथुर, अरुण शर्मा आदि शामिल थे। टेकरी बालाजी पर यजमानों की मंडल पूजा नगर व्यास राजेंद्र व्यास ने कराई। कथा के दौरान राधे राधे की गूंज के साथ भजनों पर सैकड़ों श्रोता थिरकते रहे। इस भव्य भक्तिमय आयोजन को सफल बनाने के लिए आयोजन समिति के अध्यक्ष राधेश्याम जेजानी, श्याम सुंदर नौलका, आशीष पोरवाल, राजेंद्र कचोलिया, हेमंत शर्मा, राकेश दरक, सत्यनारायण मुंदड़ा, कैलाश काबरा, राहुल दाड आदि सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। भगवत कथा के दौरान भगवान नारायण के वामन अवतार प्रसंग का भी वाचन हुआ। वामन भगवान का जन्म होने पर श्रद्धालु द्वारा उनकी आरती की गई एवं जयकारे गुंजे। वामन भगवान की आरती करने वाले अतिथियों में विजय सिंह पुरावत, जितेंद्र सिंह पुरावत, रेखापुरी, शिव सिंह पुरावत, निर्मल देवपुरा, गोपाल जोशी, गोपाल शर्मा, देवीलाल जाट, राधेश्याम कजोलिया, किशनलाल चौधरी, लीला राठी, अर्चना सोनी, निशा सोनी, कमलेश कटवाल, शिवराज जाट, मंजू पोखरना, मंजू राठौड़ आदि शामिल थे। अपने धर्म को जातियों में मत मारो, जातियों में मत मारो, ये बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं हमारे देश का, जो जातियों में बांट रहे हैं। चादर मत चढ़ाओ, सिंदूर चढ़ाओ और भव सागर से पार हो जाओ, ये मेरा दावा है। चादर चढ़ाने वाले अगर सनातनी जाएंगे चादर, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिनका काम है वो चढ़ाओ, तुम्हें तुम्हारी चादर मुबारक और हमें हमारा सिंदूर। तो जाऊं